हेड ऑफिस के साथ और भरोसे से चल रही है। ठीक, इन्हीं की अकाउंटिंग ही सबसे ज्यादा आपके लिए महत्वपूर्ण होती है, बिकॉज जो सेपरेट ब्रांचेस हैं उनका तो कोई इशू नहीं है, उनके लिए तो फिर एकदम सेपरेट ही की सारी बुक ऑफ अकाउंट बन जाएंगी और उनके लिए कहीं कोई झगड़ा ही नहीं है, वो तो सेपरेट एंटिटी की तरह से डील हो रही है। क्लियर? तो वन बाय वन इनके आइटम्स को हम लोग देखते हैं और पीछे का जो अपना एक्सपीरियंसेस है, दो सेशन लग हो गए हैं इस पर, उसके हिसाब से इन आइटम्स को देखना शुरू करते हैं कि ये जाएंगे कहाँ कहाँ पर। एक तो स्टॉक है, फिर डेटर है, फिर फर्नीचर है, फिर प्रीपेड है, पेटी कैश है, गुड सप्लाइड, सैलरीज, यहाँ तक। फिर आगे बढ़ते हैं डेटर में, डायरेक्ट पेमेंट टू हेड ऑफिस। नो जी साहब, हेड ऑफिस को पेमेंट कर दिया, ब्रांच की बात ही गायब हो गई। ठीक, फिर बोलते रिटर्न द गुड्स डायरेक्ट टू हेड ऑफिस, देन डेटर्स मेड पेमेंट टू द ब्रांच। हाल के डेटर है साहब, कभी सीधे सीधे जो है वो हेड ऑफिस को पैसा भेज देते हैं, कभी कभी ब्रांच को भी दे देते हैं। मतलब हमको आपको मिलके बिल्कुल ये घुमा देना चाहते कि घूम जाओ। ठीक, फिर उसके बाद क्या बोलते हैं वो कि ब्रांच रिटर्न द गुड्स टू द हेड ऑफिस। हाँ, ये एक सामान्य व्यवहार है कि हम उनको सामान भेजते हैं और कुछ उनके पास बिक नहीं पाता या टू डेट नहीं है, वो हमको भी वापस भेज सकते हैं, नॉर्मल ब्रांच ट्रांजेक्शन। डेप्रिसिएशन हो रहा है फर्नीचर का 6% से। फिर बोलता है कुछ क्रेडिट सेल भी है भाई। हाँ, जब डेटर है तो क्रेडिट सेल तो होगी ही होगी, वरना सब कैश भी होगा तो कोई डेटर होंगे ही नहीं, कोई झगड़ा ही नहीं है। अब गुड्स रिटर्न बाय डेटर, अभी जो डेटर सामान ले गए ये भी वापस भेज रहे हैं, बड़े कमाल के डेटर है, और डिस्काउंट भी उनको अलाउ करा जा रहा है डेटर को। फिर बोलता है पेटी एस एक्सपेंसिव पेड है, ब्रांच ब्रांचों ने भी कुछ ने खर्च कर दिया, आपने जो भेजे तो भेजे, ब्रांचों ने भी कर दिए। फिर गया आपसे बोलता है द गुड्स ऑफ रूपीज 1800 वर डिस्ट्रॉयड बाय फायर इंश्योरेंस। फायर से, आग से, आग भी लग गई यार, बिल्कुल ही हम लोगों को एकदम ये परेशान करने के मूड में बैठा हुआ है, पर आप परेशान करते ही होंगे नहीं। ठीक, व्हाट वी आर गोइंग टू ऑफ ऑल दिस ट्रांजेक्शन, इसे कंसीडर एन इकोनॉमिक इफेक्ट, कैसे घुमा को बात। ठीक है भाई, फिर बोला फायर इंश्योरेंस कंपनी ने उस लेन को 1200 रुपए का माना। ठीक, एंड ओनली दिस अमाउंट रिसीव्ड फ्रॉम द इंश्योरेंस कंपनी, ये इंश्योरेंस कंपनी से मिला। द ब्रांच रेमिटेड नेसेसरी कैश टू हेड ऑफिस, तो ये जो आवश्यक कैश है ये ब्रांच जो है क्या करती है, वापस हेड ऑफिस को भेज देती है। इतनी सारी इसमें बातें हो गई हैं, उलझन भरी, क्योंकि अभी तक आपने ये देखा कि ब्रांच के डेटर आपके ही डेटर हैं, ब्रांच तो आपके बिहाफ पे है, आप सारे खर्चे उसको दे रहे हो, उसका कुछ भी नहीं है, तो उसका ओपनिंग स्टॉक भी आप अपने यहाँ से डेबिट क्रेडिट करते हो, क्लोजिंग स्टॉक भी डील करते हो, तो उसके डेटर भी आपके ही डेटर हैं। वो ब्रांच को भी पैसा दे रहे हैं तो समझो आपको दे रहे हैं, आपको दे रहे हैं तो समझो तो फिर तो डायरेक्टली आपको दे ही रहे हैं। ठीक, तो कहीं कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। इन द केस ऑफ द गुड्स रिटर्न्ड बाय द डेटर्स और द कैश रिसीव्ड बाय द डेटर्स, आप जल्दी जल्दी से एक फटाक से आप अकाउंट बनाइए इन द बुक ऑफ हेड ऑफिस, हेडिंग डालिए उसकी, और उसके बाद फॉर्मेटिंग कर दीजिए उसकी, डेबिट साइड एंड क्रेडिट साइड, पर्टिकुलर एंड देन पर्टिकुलर्स एंड द अमाउंट। कि क्या क्या बैलेंसेस हैं एट द स्टार्ट ऑफ ईयर, कि जो भी बैलेंसेस हैं तो वो तो हमें ब्रांच के खाते में चढ़ाने पड़ेंगे, और मानी बात है कि ये बैलेंसेस क्रिएट कहाँ से हुए होंगे, हमारे यहाँ से। क्लियर, हमारे लेन देन के कारण ही, क्योंकि ब्रांच तो और किसी से उसका कोई लेना देना है नहीं, जो उसकी कैश सेल है, जो उसकी क्रेडिट सेल है वहां पर आउटसाइडर से मतलब है, पर जो उसका स्टॉक है बेसिकली वो मेरा भी स्टॉक है, मेरा स्टॉक ब्रांच के पास रखा हुआ है तो ब्रांच डेबिट कर लेंगे हम। तो क्लोजिंग बैलेंसेस में एक तो स्टॉक बीडी डेबिट बैलेंस आएगा आपका, नोट कर जाइए 5000। हाँ, ये डेटर्स हैं, ये भी डेबिट बैलेंस आएगा, 2000 से स्टार्ट हो रहा है। पेटी कैश का अगर ओपनिंग बैलेंस है तो वो भी आ जाएगा। फर्नीचर 6000 रुपए के हैं,
तो ये भी आ जाएंगे। जल्दी से देख लेते हैं हम लोग किस किस चीज के बैलेंसेस थे, स्टॉक के, डेटर के, फर्नीचर के, प्रीपेड इंश्योरेंस के और पेटी कैश के। ये सारे के सारे आपके 1 जनवरी के बैलेंसेस हैं एंड यू हैव टू मेक द अकाउंटिंग फ्रॉम 1 जनवरी टू 31 दिसंबर। इस दौरान आप काम कर रहे हैं, तो अगर इस दौरान आप काम कर रहे हैं तो ये ओपनिंग बैलेंसेस आपके सारे के सारे डेबिट हो जाएंगे। क्लियर? यहाँ पे कोई डाउट है? ब्रांच के खाते में इन सबको आप डेबिट कर दीजिए। दीज आर द ओपनिंग बैलेंसेस और द पार्ट ऑफ द ओपनिंग बैलेंसेस अंडर द डिफरेंट हेड्स। इनर कॉलम में इनको सबको लिख दीजिए और आउटर कॉलम में इनका टोटल लिख दीजिए। 14,600 टोटल आएगा, सबको कर लीजिए। 5,000, 2,000, 6,000, 1,000, तो 7 और 6 13 और 1 14 और 600, 14,100, 14,600 ये टोटल आने वाला है। नाउ अब अगला कहाँ से ब्रांच को आप डेबिट कर पाओगे कि भाई मेरा तेरे ऊपर चढ़ा है, वो आप कहाँ से कर पाओगे? बाय द वे ऑफ गुड्स सप्लाइड बाय यू। जो उसको गुड्स मिला उतने से आप उसको डेबिट करेंगे कि हाँ भाई मैंने ये तुमको सामान भेजा, अब तू डेबिट हो गया। इसके केस में आप सेल का डाटा जब ये प्रोवाइड कराओगे तो ये अपने आप बैलेंस हो जाएगा। तो जल्दी से डाल दीजिए गुड सप्लाइड। ये हम लोग कल के सेशन में डिस्कस भी कर चुके हैं इस क्वेश्चंस को। गुड सप्लाइड आप डाल दीजिए 75,000। नाउ अगेन आप क्या क्या चीज आप उसको भेज रहे हो, जो जो आप उसको देते जा रहे हो उतने के लिए वो डेबिट होता चला जाए, उतना ही तो चढ़ेगा ना उसके ऊपर। तो आप उसको कैश अकाउंट में कुछ पैसा भेज रहे हो? हाँ भेज रहा हूँ। किस किस चीज के लिए पैसे दे रहे हो अपनी ब्रांच को भाई? तनख्वाह बांटने के लिए दे रहे हो, इंश्योरेंस के लिए दे रहे हो, और कुछ आपने फुटकर दे दिया है पेट कैश कि भाई और किसी मिसलेनियस में तू खर्च कर लेना, छोटे छोटे खर्चों में कोई आ जाए तो चाय पिला लेना, व्हाटएवर। तो आपने 4,000 रुपये सैलरीज के अगेंस्ट भेजे, इंश्योरेंस के अगेंस्ट में 1,300 भेजे और पेटी कैश के अगेंस्ट में 700 भेजे। ये 3 आइटम्स आपने कैश में उनको भेजे और इसका टोटल यू हैव गेट द 6,000। यहाँ तक के लिए आपकी ब्रांच आपसे डेबिट होती चली जा रही है। अब हम लोग देखते हैं, ये तो जितनी बेटा बातें थी ये ऑलमोस्ट आपके पिछले क्वेश्चन में ऑलरेडी डिस्कस्ड हैं, नथिंग न्यू। इसमें केवल नया क्या हो गया है कि स्टॉक और डेटर और कैश के अलावा फर्नीचर और प्रीपेड के भी ओपनिंग बैलेंसेस मिल गए हैं, ये एक नई चीज हो गई है। तो उसमें कतई परेशान होने की बात नहीं है। वेयर देवर इज द ओपनिंग बैलेंसेस उसको आप डेबिट करो, ठीक? क्योंकि ये सारे के सारे आपके ओपनिंग बैलेंसेस जो चले। अब कोई ऐसा अमाउंट है क्या भाई कि जो और आ सकता है, जो इनको डेबिट करा सकता है? हाँ साहब, एक और दिख रहा है, आउटस्टैंडिंग वेजेस भी है कि ब्रांच ने कुछ वेजेस बांटी भी नहीं है 1 जनवरी को तक, वो आउटस्टैंडिंग थी। अच्छा, आउटस्टैंडिंग थी 1 जनवरी को, तो उनको भी डाल दीजिए आप। ध्यान रखिएगा इसमें 1 जनवरी वाली पड़ेगी कि वहीं से वो डेबिट बैलेंस क्रिएट होगा, ठीक? वहीं से वो डेबिट बैलेंस क्रिएट होगा। तो ये आपने जो आउटस्टैंडिंग वेजेस विच आर नॉट पेड ऑफ ₹500, मेक योर ब्रांच डेबिट फॉर इट। इसके लिए भी आप अपनी ब्रांच को डेबिट कर दीजिए। ये भी तो खर्चा तेरे कारण ही है आउटस्टैंडिंग। अब तू मुझे बता रहे हो भाई कि इनके साहब को ₹500 देने बाकी हैं, तो तुम तो देने वाले हो नहीं। यू आर जस्ट परफॉर्मिंग द वर्क ऑन बिहाफ ऑफ मी, तो अल्टीमेटली वो मेरी ही जेब से जाना है। तो आपने मुझे कर्जदार बनाया हुआ है, मैं पेमेंट करूंगा पर मैं ये याद तो रखूंगा कि किस ब्रांच पे हुआ, तो आपको डेबिट कर दे रहा हूँ। आपके खर्चे में तो ये चीज शामिल हो। कल को आप जब सामान बेचोगे और रेवेन्यू दोगे तो ये चीज एडजस्ट तो हो जाए, क्लियर? तो इसके लिए भी आप डेबिट कर दीजिए। अब हम लोग आ जाते हैं जल्दी से क्रेडिट बैलेंसेस पे। तो क्रेडिट बैलेंसेस में क्या क्या बैलेंसेस हो सकते हैं, अब हमको जल्दी से उन पे निगाह डालनी चाहिए कि जो हमारे क्लोजिंग बैलेंसेस हो, जो ब्रांच बताए हाँ ये जो है ये मेरा क्लोजिंग बैलेंस है, मतलब एक तरीके से मेरे पास पड़ा हुआ है, तो वो उसके लिए क्रेडिट हो सकता है। तो हम उनको जल्दी जल्दी से ढूंढ लेते हैं क्लोजिंग बैलेंसेस में।
फटाफट से पहला क्लोजिंग बैलेंस आपके लिए आउटस्टैंडिंग वेजेस 3,000, इस पे कोई झगड़ा नहीं है, ठीक। फिर देखते हैं दूसरा क्लोजिंग बैलेंस क्या हो सकता है। दूसरे क्लोजिंग बैलेंस में 31/12 की कोई फिगर और दिख रही है आपको? डेटर, अच्छा साहब, स्टॉक, हाँ जी, ये जो स्टॉक दिख रहा है इसका कुछ करना है। और ये स्टॉक कितने का है? 3,000 का। इसमें भी कोई झगड़ा नहीं है, स्टॉक भी आप डाल सकते हैं, पर वो पड़ता है एंड में, तो एंड में कर डालेंगे उसको। फॉर्मेटिंग में स्टॉक ऑलवेज एंड में है, तो उसको आप एंड में डालो, ये मेथड है। तो आप जल्दी से देख लेते हैं कि उनको क्रेडिट कहाँ कहाँ से मिल सकती है, क्या उन्होंने ऐसा है जो मुझे लौटाया है। तो सबसे पहले तो वो मुझे पैसा दे रहे हैं, वो मुझे उनको क्रेडिट देना चाहिए। हमारा बैंक अकाउंट डेबिट होगा और ब्रांच क्रेडिट होगी। जर्नल एंट्री भी मैंने आपको एक सेशन में बताई थी पहले। तो इसके लिए फ्राक से क्या हो जाएगा आपके लिए? कैश सेल्स। कैश सेल्स कितनी है? 63,000, ये लिख लीजिए आप। अब अमाउंट रिसीव्ड बाय द डेटर्स डायरेक्ट, बात तो एक ही है, मैंने आपको बोला था डायरेक्ट मिल जाए या ब्रांच को मिल जाए, बात एक ही है। वो डायरेक्ट आपको मिल गया, ठीक, तो डायरेक्ट मिल गया है तो उतने से भी ब्रांच को क्रेडिट कर दो भाई, क्योंकि डेटर कहाँ से क्रिएट हुए थे? ब्रांच के थ्रू। मैंने आपको पैसा दे दिया डायरेक्ट, बहुत मोटी सी बात समझिए, डेटर कहाँ से क्रिएट हुए थे? ब्रांच के थ्रू। लाइबिलिटी किसके ऊपर आ रही थी कि अगर वो नहीं देंगे तो आपके ऊपर? आपको पैसा मिल गया तो आपके लिए डेटर तो कम हो गए, लेकिन आपने डेटर के साथ किसको जोड़ रखा था? डेबिट किसको किया था? ब्रांच को। तो उस ब्रांच को तो क्रेडिट दे दो भाई, कि आप अपने खाते में ये भी तो आपके आ जाए कि इस ब्रांच के डेटर कम हो गए, वरना पैसा तो आपको मिल गया, ये आप डेटर डायरेक्ट है नहीं। बात समझ आती जा रही है ना? आपके डेटर डायरेक्ट नहीं है ये, तो आपको ब्रांच इसको क्रेडिट देना पड़ेगा, वेदर यू आर रिसीविंग द अमाउंट डायरेक्टली, ठीक। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू आपके लिए आ जाएगा ब्रांच अकाउंट, नीचे नरेशन में आएगा दिस अमाउंट इज रिसीव्ड फ्रॉम द डेटर्स डायरेक्टली। तो आपको पता हो कि ये जो पैसा आया है ये डेटर से आया है, ये ब्रांच ने सेल्स का नहीं भेजा। अगली चीज क्या आ रही है आपके लिए मजेदार? अगली चीज आपके लिए आ रही है कि ब्रांच ने जो ये लास्ट में आपको एक लाइन लिखी हुई है कि वो 1800 के सामान में आग लग गई, 1200 का क्लेम जो है इंश्योरेंस कंपनी ने माना और इस अमाउंट को ब्रांच ने रेमिट कर दिया हेड ऑफिस को। यानी ये 1200 रुपए किसे मिले थे? ब्रांच को। सामान कहाँ जला था? ब्रांच में। तो इंश्योरेंस का पैसा कहाँ पहुंचा होगा? ब्रांच में। तो ब्रांच ने ये पैसा भी आपको वापस किया है, तो पैसे के नाम पर आपको क्या क्या चीजें मिल गई? एक तो सेल्स का पैसा मिल गया, दूसरा वो पैसा मिल गया जो डेटर ने लौटाया था, तीसरा इंश्योरेंस कंपनी का भी पैसा मिल गया। इसको भी लिख लीजिए, कैश के अगेंस्ट आपकी ब्रांच क्रेडिट हो जाएगी। क्लियर? नाउ नेक्स्ट पॉइंट, व्हाट द गुड्स यू हैव सप्लाइड, आपने सामान क्या भेजा है? बाई गुड सप्लाइड। अब सामान आपने जो भेजा है उसको तो डेबिट कर लिया, क्या ब्रांच ने भी कुछ लौटाया है आपको? तो इसके लिए ब्रांच को क्रेडिट करना पड़ेगा कि हमने आपको 75,000 का सामान भेजा था, हाँ आपने मुझे 4,000 का लौटा दिया, हाँ साहब लौटाया। इस सेल्स वाले को लिखूंगा तो कोई आपके ब्रांच का काम करेगा नहीं। क्लियर? तो आपको उसको उसकी क्रेडिट देनी पड़ेगी। तो ये 4,000 ब्रांच ने लौटाए, इसको क्रेडिट में डालिए फटाक से, ठीक। और कुछ डेटर्स ने भी डेटर कमाल के हैं ब्रांच के, ये ब्रांच से भी रिश्ता रख रहे हैं और आपसे भी रिश्ता रख रहे हैं, तो अगर आपको डायरेक्टली लौटा रहे हैं तो अल्टीमेट, अल्टीमेट वर्ड में यूज कर रहा हूँ, अल्टीमेट डेटर वो आपके हैं, तो आप उसको, आपने यहाँ तो दिखा दोगे गुड्स के अगेंस्ट में रिटर्न आ गया, लेकिन ब्रांच को तो आपको क्रेडिट देना पड़ेगा क्योंकि गुड्स के अगेंस्ट में या डेटर के अगेंस्ट में आपने ब्रांच को डेबिट कर रखा होगा। और आप अपने अगर डायरेक्ट उसको ले लोगे और ब्रांच की एंट्री नहीं लगाओगे साथ में, तो होगा क्या कि ब्रांच बेचारी उसे डेबिट बनी रह जाएगी, और ये डायरेक्ट डेटर आपके डायरेक्टली है नहीं, तो इनको क्या नाम दोगे? कौन से डेटर है ये? इनके साथ कौन सा एनेक्शर और कौन सी लिस्ट लगाओगे? ये मिस्टर एक्स है, बी है, सी है, कौन है?
आपने तो एक नाम दिया होगा ना कि फला ब्रांच के ये डेटर लिस्ट है, तो ब्रांच तो साथ में जाएगी और अल्टीमेटली आप ब्रांच को करते हो डेबिट। तो इन दिस केस आपने जो ये गुड्स आपको वापस मिल रहा है, तो ये भी डेटर के थ्रू 2,000 रुपये आपको क्रेडिट में दिखाने हैं, किसमें? ब्रांच अकाउंट में। जनरल एंट्री क्या पास होगी आपकी, आपको जो भी सामान वापस मिल रहा है, और साथ में ब्रांच अकाउंट को आप क्रेडिट करोगे, नरेशन में लिखोगे कि द गुड्स रिटर्न बाय द डेटर्स। ठीक, क्लियर है ये बात? अब आगे बढ़ जाते हैं हम लोग। इतना काम आपका ऐसा है जो हो गया। अब इसके बाद हम लोग क्वेश्चन में देखते हैं कोई चीज छूट रही है, कोई चीज छूट रही है। नहीं, कोई चीज छूट रही है। ओके, ओके, चलिए। तो अब जल्दी से हम लोग बैलेंसेस बना लेते हैं कि क्या बैलेंस बन रहे हैं। ठीक है, क्या बैलेंस बन रहे हैं इनको बना लेते हैं हम लोग। क्लियर। अब इन जी बैलेंसेस को आप बनाओगे तो क्या होने वाला है? सबसे पहला बैलेंस आपके लिए स्टॉक का है, जो एंड में आना चाहिए। बैलेंस है सीडी में, ये तो 3,000 है, वो तो आपको खुद क्वेश्चन बता रहा है कि क्लोजिंग बैलेंस, वहां पे कोई झगड़ा नहीं है। अब झगड़ा कहाँ पे आके खड़ा हो जाएगा? डेटर्स के केस में झगड़ा कहाँ आके खड़ा हो जाएगा? पेटी कैश के केस में। और एक एडजस्टमेंट आपका बाकी रह गया है जिसको नहीं किया गया है, दैट इज द डेप्रिशिएशन। क्लियर। तो झगड़ा यहां भी आके खड़ा हो जाएगा। तब हम लोग जल्दी से ये जो बैलेंसेस अब मुझे क्रिएट करने हैं, मैंने डेबिट तो ब्रांच को कर दिया, 6,000 रुपये का फर्नीचर खरीदवाया, अच्छा जी खरीदवाया, तो डेप्रिशिएट हो गया वो। अब बचा कितने का? 5% से डेप्रिसिएट हो रहा है, तो 300 रुपये कम हो जाएंगे 6,000 में। व्हाट विल बी रिमेन? 5,700। ये तो क्लोजिंग बैलेंस आ गया फर्नीचर का। तो 300 रुपये का आपको लॉस, डेप्रिसिएशन एडजस्ट, ब्रांच अकाउंट में ही एडजस्ट हो गया वो। फर्दर आगे बढ़ जाते हैं हम लोग रिगार्डिंग द डेटर्स। से पहले पेटी कैश का काम कर लेते हैं थोड़ा। पेटी कैश में बताइए क्या होने वाला है और क्या बैलेंस आना चाहिए। पेटी कैश का ओपनिंग बैलेंस कितना था? 600। फिर आप डाटा मिलाते जाओ, पेटी कैश का ओपनिंग बैलेंस कितना था? 600। ब्रांच से, हेड ऑफिस से कुछ मिला? हाँ मिला। कितना? 700। ये भी उस चढ़ा हुआ है आपके डेबिट साइड में ब्रांच के। ठीक, ये दोनों आप जोड़ दीजिए। फिर क्या बोल रहा है वो? इसमें से कुछ खर्चा किया है क्या भाई? ये तो पैसा मिला हुआ हो गया ना, पेटी कैश का शुरुआत का आपके पास पड़ा है 600 रुपये, 700 रुपये आपके हेड ऑफिस ने और भेज दिए, तो 1,300 आपके पास अगेंस्ट पेटी कैश इकट्ठा हो गए। आपने कुछ खर्चा किए हैं इसमें से? तो कितने किए? एक्सपेंसेस मेड बाई द ब्रांच अगेंस्ट द पेटी कैश इज 400। ये जो 400 है इनको आप घटा लीजिए, दिस इज द वर्किंग नोट आई एम टॉकिंग अबाउट। तो ये 400 आप इसमें से घटा लीजिए, पेटी कैश का जो आप वर्क नोट बना रहे हो कि शुरुआत में क्या था, मिला कितना, अब जो खर्च हुआ है वो हटा लो, तो 400 रुपये हट गए साहब। अब कितने बचे? 1,300 माइनस 400 मीन्स 900। तो ये जो बचे हैं दिस इज द क्लोजिंग बैलेंस। ठीक, क्योंकि अब आपको ब्रांच के अकाउंट को एंड की ओर ले जाना है, फाइनल उसको रूप देना है। कि तो फाइनल उसमें जब आप रूप देने जाओगे तो अब हम लोग क्लोजिंग बैलेंसेस की ओर बढ़ रहे हैं, बाकी सारी चीजें ट्रीट हो चुकी हैं। क्लियर। तो आपने स्टॉक लिख लिया, आपने फर्नीचर लिख लिया, आपने पेटी कैश लिख लिया। अब केवल जो आपके लिए बच रहे हैं वो बच रहे हैं डेटर्स। डेटर्स का क्लोजिंग बैलेंस क्या हो, क्योंकि डेटर्स में आप देखोगे ओपनिंग बैलेंस भी है और कई सारे ऑपरेशनल एक्टिविटी भी है, विच में इंक्रीज और डिक्रीज द डेटर। कुछ पैसा आपको डायरेक्ट दे गए, कुछ ब्रांच को दे गए, कहीं सामान लौटाया, कहीं कुछ किया, तो
इन सबसे द वैल्यू ऑफ द डेटर इज गोइंग टू बी चेंज रैपिडली, काफी तेजी से बदली होंगी वो। हाँ जी चलो देखते हैं। तो पीछे क्लास में भी जब मैंने आपको डेटर अकाउंट बनवाने के लिए कुछ बोला था तो एक फॉर्मेट भी लिखवाया था, तो जिनके जिनके पास वो फॉर्मेट लिखा है उसको प्लीज ओपन कर लीजिए फटाक से अपने सामने, और यहाँ पर दिए गए जो भी ट्रीटमेंट्स हैं उनको उस फॉर्मेट के साथ हम लोग वैलिडेट करेंगे और फिर उन अमाउंट्स की पोस्टिंग करेंगे। नाउ द ब्रांच डेटर अकाउंट यू हैव ओपेंड एज वर्क नोट, क्योंकि अब इसकी भी जो फाइनल एंट्री है वो आपको ले जानी है किसमें, इन द ब्रांच अकाउंट, ब्रांच अकाउंट में ले जानी है, तभी तो पता चलेगा कि ब्रांच को फायदा हुआ या नुकसान हुआ। तो सबसे पहले आपके डेटर का बैलेंस, शुरुआत वाला 2,000 रुपये, ये तो आपने ब्रांच में लिखा हुआ है उसी को यहाँ पर आप नोट कर दीजिए। 2,000 रुपये से आप इसके बैलेंस को डेबिट में लाइए ब्रांच के। फिर डेटर किससे बढ़ते हैं उस फॉर्मेट को याद करिए, क्रेडिट सेल से बढ़ते हैं। तो क्या कोई क्रेडिट सेल थी? हाँ थी, 20,000 रुपये पिक भी मिलाते चलिए साथ में क्वेश्चन की, तो 20,000 इज द क्रेडिट सेल, इसको भी डेबिट करो, इसने भी डेटर को बढ़ाया होगा बहुत तेजी से। ठीक भाई बढ़ा कर लिया सर, आगे बढ़ते हैं। आप डेटर कम कम कहाँ से हो जाते हैं, या तो वो पैसा लौटा दे या वो सामान लौटा दे या उन्हें आप कोई डिस्काउंट दे दो, ऐसे ही तो डेटर कम हो गए। या डेटर को आप बैड या डाउटफुल करके फाइनली मान लो कि ये पैसा नहीं चुकेगा, इससे भी डेटर कम हो जाते हैं। तो अब हम लोग देखते हैं कि क्या क्या ऐसी हमारे क्वेश्चन में गिवन इंफॉर्मेशन है विच इज गोइंग टू रिड्यूस द डेटर वैल्यू। तो सबसे पहली जो उन्होंने कैश एचओ को लौटाया 4,000 रुपये, ये क्रेडिट डाल दीजिए डेटर्स के नाम। ठीक, डेटर्स को क्रेडिट कर दो कि इतने से वो डेटर कम हो गए। फिर उन्होंने कैश जो डायरेक्ट भेजा था वो घटा दीजिए 4,000। फिर उन्होंने वो कैश जो ब्रांच को भेजा था 3,000 रुपये वो घटा दीजिए। फिर कुछ सामान हेड ऑफिस को डायरेक्ट लौटाया था 2,000 वो घटा, फिर कुछ ब्रांच को 3,000 घटाना है आपको। मतलब क्रेडिट साइड में इन इनको लिखना है बाई 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 और इनकी वैल्यू को आगे। ठीक, यू हैव टू प्रिपेयर अ डेटर अकाउंट, ब्रांच डेटर अकाउंट। तो आपने क्या क्या इसमें आइटम पिक कर लिए, कैश डायरेक्ट रिटर्न टू द एचओ, कैश रिटर्न टू द ब्रांच, गुड्स डायरेक्ट रिटर्न टू द एचओ और द गुड्स रिटर्न टू द ब्रांच, ये चार आइटम आपने अभी तक कंप्लीट किए। और कोई ऐप आपकी पूरे क्वेश्चन में कोई भी चीज छूट रही है? हाँ सर छूट रही है, डिस्काउंट की तो कोई बात आपने की नहीं, तो लो मैं कर देता हूँ डिस्काउंट की बात। ये डिस्काउंट किसको दिया होगा इस गिवन क्वेश्चन में, डेटर्स को? यार पैसा दावे बैठे हो भैया, कितना है? इतने हजार है। चल यार इतना डिस्काउंट तुझे दे रहा हूँ, तू जल्दी दे दे यार, होती ना डीलिंग्स ऐसी। ठीक है ना, तो मनी हैंड में जल्दी आए, इसके लिए कोई डिस्काउंट आपने दिया उनको? तो ये डिस्काउंट दिया मतलब तू कम दे दे, कम दे दे का मतलब क्या हुआ, डेटर वैल्यू इज गोइंग टू बी रिड्यूस्ड, तो 1,000 इज गोइंग टू बी रिड्यूस्ड अगेंस्ट द डेटर। ये भी आप क्रेडिट साइड में बाई करके डाल दीजिए, बाई डिस्काउंट 1,000। आप जरा क्वेश्चन पे निगाह डाल लीजिए, आप फटाक से मुझे देख के बताइए, इज देयर एनी आइटम और इंफॉर्मेशन विच इज नॉट ट्रीटेड और नॉट डिस्कस अप टिल नाउ? जल्दी से 1-2 मिनट में अच्छे से सारे क्वेश्चन को देख लीजिए, एक एक चीज को जो आपके पास पिक है, और उसके बाद बताइए कोई ऐसा पॉइंट है जिसको हम लोग अभी डिस्कस ना कर पाए हों या अपने अकाउंट्स में हमने उसको जगह ना दी हो, रिकॉर्ड ना किया हो। इज देयर एनी आइटम? नहीं है, बेफिक्र रहिए, नहीं है। तो ये जो ब्रांच डेटर अकाउंट बना रहे थे हम, तो इसका अल्टीमेट पर्पस क्या है? इसका अल्टीमेट पर्पस है टू फाइंड आउट द क्लोजिंग बैलेंस ऑफ डेटर्स। तो अब आप इसको मिला दीजिए, जब आप इसको मिलाएंगे तो यू विल फाइंड 22,000 ऑन द डेबिट साइड, और क्रेडिट साइड के मैंने आपको फिगर्स लिखाई दिए हैं विद हेड्स। तो आपको ये दिखेगा कि डेटर्स का बैलेंस जो कैरीड फॉरवर्ड है मीन्स द क्लोजिंग बैलेंस विच इज 9,000, वो 9,000 रुपये है।
ये आपका क्लोजिंग बैलेंस है डेटर का, इसको नाउ यू हैव टू पोस्ट ऑन टू द ब्रांच अकाउंट। क्लियर? जो ब्रांच अकाउंट आप बना के चल रहे हो दैट इज द बेस अकाउंट, उसमें आप ये 9000 रुपए की क्लोजिंग डेटर के नाम से एंट्री डाल के 9000 रुपए लिख दें, तब आपके पास सारे क्लोजिंग बैलेंसेज आ गए, विच इज ऑफ द स्टॉक जिसमें कोई चेंज आपको नहीं करना था, विच इज ऑफ द डेटर जिसमें आपने बहुत सारा काम किया, एंड विच इज ऑफ द पेटी कैश जिसमें भी आपने थोड़ा सा तो काम किया ही, एंड अगेन ऑफ द फर्नीचर जिसमें भी आपने कुछ काम किया, डेप्रिसिएशन एडजस्ट किया, तो ये सारे क्लोजिंग बैलेंसेस थे, तो इनकी टोटल लगा के लिख दीजिए। नाउ मैच योर ब्रांच अकाउंट एंड टेल मी इज देयर एनी प्रॉफिट और इज देयर एनी लॉस, एंड वॉट एवर द अमाउंट इज, एक दो मिनट के लिए मैं चुप हो जा रहा हूँ, इस दौरान आप अपना ये काम करके जल्दी से मुझे बता दीजिए, फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर प्रोसीड करते हैं। नो सर, यस सर, ये क्या है, अमाउंट बताना है भैया, आपने ब्रांच अकाउंट कंप्लीट हुआ ना हमारा, तो नाउ यू हैव टू टेल आउट इज देयर एनी लॉस और इज देयर एनी प्रॉफिट रिगार्डिंग द पर्टिकुलर ब्रांच विच वी हैव डिस्कस्ड इन द गिवन क्वेश्चन। बनाया था ना आपने ब्रांच अकाउंट साथ में, तो ब्रांच अकाउंट पे काम कर रहे थे ना, तो आप बैलेंसेस लिखते जा रहे थे, चीजों को समझते जा रहे थे, तो क्या बैलेंस फाइनली आ रहा है आपका जो प्रॉफिट एंड लॉस में ट्रांसफर हो, क्या वो लॉस है, क्या वो प्रॉफिट है, और अगर है तो कितना है? यस बेटा, सारी फिगर्स अगर आप नोट करते चले गए तो केवल जोड़ लगाना बाकी है आपको। चलिए, इस पूरे डिस्कशन में अगर कोई बात नहीं समझ आई है तो उसको पहले पूछ लीजिए, तो फिर वो सारी अकाउंटिंग आपकी कंप्लीट हो जाएगी। कोई क्वेरी हो तो उसको आप लिख के या बोल के कैसे भी पूछ सकते हैं। पूछो बेटा, इस क्वेश्चन को हम लोग पक्का कर लें तब आगे की ओर बढ़े। मैं प्रॉफिट लॉस से बताऊँ यार, इतना सारा अकाउंटिंग के बाद में कि बिना नुकसान और फायदे के आप जो है खाता बनाएंगे, इतनी देर तक आपने सब बनाया उसके बाद कोई कहे मुझे फायदा नुकसान बता दो, तो कहते भैया ये सब कुछ नहीं। डाउट हो तो डाउट पूछ लो बच्चा, कोई दिक्कत नहीं है, हम आप ही के लिए। चलिए जल्दी करिए, प्लीज रिस्पॉन्स
ऐसे नहीं करूं भाई मेरे, प्लीज रिस्पॉन्स। अगर सबसे पहले बताइए, ये लिख के चले हैं आप जो मैं बोलता चला हूँ, सिंपली हैव यू रिटन डाउन द थिंग्स विच वी आर डिस्कसिंग रिगार्डिंग द क्वेश्चन पिक आई हैव सेंट यू, उनको नोट डाउन किया है ना बेटा? प्लीज हैव यू नोट डाउन इट? चलिए आप तुम लोग कुछ भी बात नहीं करो, तो थोड़ी देर बाद बदल देता हूँ मैं। अभी जो आप लोगों के पेपर्स होने हैं पिछले वाले, उसमें कौन कौन से होने हैं? सर लॉ मैनेजमेंट और एथिक्स के। हाँ मैं पूछ चुका हूँ यार, देखो इस पूछी हुई बात को देखो, तुमने भैया इतनी जल्दी बता दिया, तो जो इतनी देर से पूछ रहा हूँ उसको बता नहीं रहे हो, क्या बात है? किया नहीं है क्या? करते चलो बच्चा, या आगे के एग्जाम्स में या आगे के आपके उसके फ्यूचर करियर में ये चीजें हेल्पफुल हैं। ठीक, तो अगर आपने नहीं किया है तो आपने सुना अच्छे से होगा, तो घर जाके करो, उसके बाद हम लोग डिस्कस करते हैं किसी का, क्योंकि कोई जवाब आया नहीं है और आप पूछने में शर्मा रहे हैं बेटा मुझसे, मुझे बताने में कोई दिक्कत नहीं है। संभवी नेटवर्क इशू बहुत हो रहा है सर बारिश की वजह से। ओके संभवी 62,000 देखना पड़ेगा मुझे, 62,000 क्या करा बच्चा? 62,000 कहाँ से आ गया? नॉट श्योर। चलो बेटा एक तरफ से मैं फिर सारी फिगर्स बता रहा हूँ, फटाफट से मिलाओ जो आपने किया है, और बाकी जिन्होंने किया है वो मिलाते चलो या लिखते चलो। वी आर प्रिपेयरिंग द ब्रांच अकाउंट, इन द ब्रांच अकाउंट द डेबिट साइड बैलेंसेस को मैं बोल रहा हूँ विद देयर नेम्स। नंबर वन, इस आपके लिए जो स्टॉक्स हैं जो पीछे से आ रहे हैं कैरी होके, वो कौन कौन से हैं फटाक से लिखे हम लोग, वो हैं स्टॉक के विच इज ऑफ 5,000, देन द डेटर्स विच इज ऑफ 2,000, देन द पैटी कैश विच इज ऑफ 600, देन द फर्नीचर्स विच इज ऑफ 6,000, देन द प्रीपेड इंश्योरेंस विच इज ऑफ 1,000। ये तो हो गए हमारे ओपनिंग बैलेंसेस, क्लियर? Then the goods supplied is also a debit balance in the branch account, which is 75,000. Now the cash, which is provided by head office to the branch, which is against salary 4,000, against insurance 1,300, against petty cash 700. इससे भी आपकी ब्रांच डेबिट होगी, तो कैश के अगेंस्ट में टोटल आपकी ब्रांच डेबिट हो जाएगी 6,000 से, इन तीनों आइटम को जब आप जोड़ दोगे। क्लियर? आउटस्टैंडिंग वेजेस एट द स्टार्ट 500, इतने आइटम आपके डेबिट साइज में थे जो कि एज पर द इंफॉर्मेशन इन द क्वेश्चन गिवन। नाउ द बैलेंसेस ऑफ द क्रेडिट साइड, तो क्रेडिट साइड के सर डेबिट साइड में 3,000 ही आएगा सर आउटस्टैंडिंग वेजेस में, क्योंकि वो 500 वाला वो 31st को दिखा रहा है। एक मिनट, 500 वाला कब दिखा रहा है? 31st सर। हाँ करेक्ट, अब आप यही तो सवाल है, ये पूछ लेते हैं आप, तो बड़ा अच्छा हो जाता, बड़ा अच्छा कि आपने पूछा। जो आउटस्टैंडिंग वेजेस है बेटा, ये जो बात की है ये लायबिलिटी है, यही तो लायबिलिटी है अल्टीमेट। आउटस्टैंडिंग वेजेस जो बात की है, बहुत ध्यान दीजिए आप। अच्छा ऊपर वाले आइटम आप सारे देखिए तो आपको सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। आपका स्टॉक किस साइड का बैलेंस है? क्रेडिट साइड का। तो क्रेडिट साइड का बैलेंस जब लास्ट में होगा तो वो क्रेडिट साइड में जाएगा, और क्रेडिट साइड का बैलेंस अगर स्टार्ट में होगा तो वो डेबिट में जाएगा। बात समझ आ रही है? दूसरा आइटम आप देखो डेटर, ये किस साइड का बैलेंस होता है? एसेट साइड का, मतलब क्रेडिट साइड, आपकी क्रेडिट में ही तो दिखाते हो ना आप उसको प्रॉफिट एंड लॉस में,
स्टॉक डेटर को या जहां भी आएगा, डेटर एसेट साइड का हिस्सा है, स्टॉक एसेट साइड का हिस्सा है, प्रीपेड इंश्योरेंस या प्रीपेड एनी टाइप ऑफ प्रीपेड एक्सपेंसेस, ये कहाँ के हिस्से हैं आपके एसेट के, तो इनकी जो क्लोजिंग बैलेंस होगी वो मेरे लिए एसेट होगी। बात समझ आ रही है? अगर हमने किसी को प्रीपेड कर दिया मतलब आगे नहीं देना, अ टाइप ऑफ एसेट, लेकिन अगर वो ओपनिंग बैलेंस है तब तो वो डेबिट है ना, तब तो वो डेबिट है। आ रही है बात समझ यस में? सर, कि तब तो वो यस डेबिट सर, है। अब आउटस्टैंडिंग के केस में ये चीज उल्टी हो जा रही है। कारण कि आउटस्टैंडिंग का बैलेंस कौन सा होता है? एट द एंड क्लोजिंग बैलेंस। एट द एंड आपका आउटस्टैंडिंग बैलेंस किस चीज का बैलेंस होता है? क्लोजिंग का बैलेंस। आउटस्टैंडिंग लाइबिलिटीज को आप कहाँ दिखाते हो? एसेट में? नहीं, कहाँ दिखाते हो? लाइबिलिटीज में। लाइबिलिटीज आपकी क्रेडिट साइड है, तो उसका जो लास्ट बैलेंस होता है क्लोजिंग बैलेंस, वो कौन सा बैलेंस होता है? क्रेडिट। तो उसका ओपनिंग बैलेंस कौन सा हो जाएगा? डेबिट। इज इट यस क्लियर? इसलिए वो सर, 500 रुपए आपके डेबिट में गए हैं, और इसलिए आउटस्टैंडिंग बैलेंस ऑफ वेजेस आपका 3,000 रुपए क्रेडिट में गया है। क्लियर? यस क्लियर हो सर, रही है ये बात? चलो, तो इतनी बातें हो गई हमारी आपकी। अब जल्दी से हम लोग क्रेडिट वाले बैलेंस आपको लिखा देते हैं। इससे भी बेटा आपका फर्क कम नहीं हो रहा है प्रॉफिट का, आपका बड़ा भारी डिफरेंस आ रहा है। इसका मतलब ड्यू टू द नेटवर्क इशू किसी भी कारण से आपको कोई फिगर स्किप कर गई है। सर मैंने ठीक, तो वो भाई गुड सप्लाइड 75,000 की जगह 75,000 लिख दिया था। अच्छा, तो 1 0 बढ़ा लीजिए, फिर आपकी सारी समस्या का समाधान हो सर, जाएगा आई थिंक। यस, ठीक, ओके सर, चलिए, तो आउटस्टैंडिंग वेजेस अब आपके लिए क्रेडिट में 3,000 की आएगी। और क्यों आएगी ये डिस्कशन से आपको पता चल गया। दैट इज व्हाई आई एम हर समय मैं आपको पिंच करता हूँ, पूछो पूछो पूछो। कोई भी एक बच्चा अगर पूछ लेगा तो उसके बहाने जितने लोग क्लास पार्टिसिपेंट्स है सबका कल्याण हो जाएगा यार। और इन द क्लास हम आपसे किसी बात के लिए शर्माएं और आप मुझसे किसी बात के लिए शर्माएं, वो अच्छा कत्ता ही नहीं है बेटा। डाउट लेके घर चले जाओ तो फायदा क्या हुआ हमारी आपकी मीटिंग का? एंड वॉट इज द आउटकम और द मोटिव ऑफ दिस क्लास? किताब आपके पास भी है, किताब मेरे पास भी है, ढेर सारी सामग्री नेट पे है, आप कहीं से भी पढ़ सकते हैं। देन वॉट इज द यूज और यूटिलिटी ऑफ दिस क्लास? हमारा आपका साथ कुछ निकाले तो रिजल्ट जरूर पूछें आप। पूछेंगे तो आपको जरूर कुछ ना कुछ ऐसा मिलेगा जो आपको मदद करेगा और मेरे लिए भी अच्छा है। मुझे भी जब आप नई बातें पूछोगे तो बहुत सी बातें रिकॉल होंगी, याद आएंगी। दैट इज गुड फॉर मी। दैट इज व्हाई आई ऑलवेज इंसिस्ट यू पीपल्स टू आस्क द क्वेरीज। डाउट लेके घर मत जाओ यार। चलो, तो अब जल्दी से मुझे लग रहा है यही क्वेश्चन ही आज का पूरा टाइम ले लेगा। तो आउटस्टैंडिंग वेजेस में क्रेडिट में आप 3,000 रुपये दोगे। अब कैश में कैश सेल्स चढ़ेगी 63,000 की। अमाउंट रिसीव जो डेटर से हुआ वो चढ़ेगा 4,000 का। ठीक है, और जो डेटर्स ने आपकी ब्रांच को पेमेंट करा है 3,000 रुपये कैश का, वो भी आपके इसके क्रेडिट में जाएगा ब्रांच के। इंश्योरेंस कंपनी ने 1,200 रुपये ब्रांच को दिए, ब्रांच ने आपको लौटाए वो 1,200 रुपये भी। ठीक, ये कैश के बैलेंसेस हैं 1, 2, 3, 4। इनको अगर आप जोड़ दोगे क्रेडिट में तो ये बन जाएंगे 71,200। ये कैश का क्रेडिट बैलेंस है फॉर द ब्रांच। अब गुड्स जो सामान वापस आ गया आपके पास, जिसके अगेंस्ट में आपने ब्रांच को डेबिट कर रखा है, एक तो ब्रांच ने भेजा आपको 4,000 रुपये का, एक डेटर्स ने भेज दिया आपको 2,000 रुपये का डायरेक्टली। यहाँ डेटर कमाल के हैं, और ये जब भी डेटर चमत्कार करें आपको डायरेक्ट भेज दें तो आप कंफ्यूज मत होइएगा, ब्रांच को साथ लेके चलिएगा। बिकॉज कनेक्टिविटी टू द डेटर्स दो दे आर जस्ट डायरेक्टली इम्पैक्टिंग योर प्रॉफिट एंड लॉस और द एसेट और द लाइबिलिटीज बाई द लिंक ऑफ ब्रांच। आप पहले ब्रांच को बनाते हो फिर उनको बनाते हो, तो ब्रांच अकाउंट को जरूर इसमें आपको कंसिडर करना है, डायरेक्ट डील नहीं होगी। ठीक, तो आपको जो उन्होंने सामान लौटाया उसको भी आप ब्रांच को क्रेडिट दीजिए, जो उन्होंने ब्रांच को लौटाया, ब्रांच आपको लौटा रही है उसके लिए भी ब्रांच को क्रेडिट दो। तो 6,000 रुपये गुड्स के अगेंस्ट में हो जाएंगे। अब बैलेंसेस आपको स्टॉक के, स्टॉक में कोई चेंज नहीं होना 3,000 रुपये, पेटी कैश में
मैंने आपको बता दिया था ओपनिंग में जो मिला वो जोड़िए आप, जो खर्चा कर दिया वो घटा दीजिए, तो क्लोजिंग में पेटी का आपको पता चल जाएगा ये बचा। ठीक, कल के मेरे पास 100 रुपए थे, आज मम्मी ने 500 रुपए और दे दिए, 400 रुपए मैंने खर्च कर दिए, अब कितने बचे? इस टाइप का सवाल है यार बच्चों जैसा ये। तो पेटी कैश का बैलेंस आपको मिल जाएगा। देन द फर्नीचर, फर्नीचर 6,000 का था, वो बोलता है 5% से डेप्रिशिएट कर दो, हमने डेप्रिशिएट कर दिया, क्योंकि ब्रांच को हमने डेबिट कर रखा था फर्नीचर के लिए, तो ब्रांच को ही क्रेडिट कर देंगे फर्नीचर के लिए, तब तो डेप्रिशिएशन एडजस्ट होगा, तो 5,700 से कर दिया। अब डेटर रह गया, तो डेटर के लिए मैंने आपको बताया था वर्क नोट आपका बनेगा डेटर ब्रांच अकाउंट की तरीके से, जिसमें कि आपका बैलेंस स्टार्ट होगा 2,000 से, क्रेडिट सेल ऐड होगी 20,000 की, ये डेबिट बैलेंसेस हैं, फिर क्रेडिट बैलेंसेस में आपका कैश आ जाएगा जो उन्होंने डायरेक्ट भेजा 4,000, वो कैश आ जाएगा जो उन्होंने ब्रांच को लौटाया 3,000, इतने सबसे तो वो बेचारे कम होते चले जा रहे हैं ना। उन्होंने जो गुड्स रिटर्न कर दिया आपको वो हटा दीजिए 2,000 का, उन्होंने जो गुड्स रिटर्न कर दिया ब्रांच को वो हटा दीजिए 3,000 का, फिर उन्होंने आपने उनको जो डिस्काउंट ऑफर किया है वो हटा दीजिए 1,000 का। अब आपको पता चल जाएगा अब इतने के डेटर बचे, इतना उधार बेचा, इतने शुरू में थे, फिर ये पैसा ये सामान मुझे लौटा दिया गया, मुझे या मेरी ब्रांच को, तो आप कितने के बचे? और बाकी मैंने छूट भी दे दी, तो आप कितने के बचे? 9,000 के। तो इस अमाउंट को आपको उठा के पोस्ट कर देना है एज ए क्लोजिंग बैलेंस इन द ब्रांच अकाउंट। अब आप टोटल लगा लीजिए, तो क्रेडिट साइड का टोटल आपको मिलेगा 98,000, ठीक, जो कि ज्यादा है। इसको आप डेबिट साइड पे ले आइए और फिर मैच करा दीजिए, तो यू विल फाइंड द प्रॉफिट इज 2,700। आप उतार लीजिए अच्छे से, क्वेश्चन है आपके पास, अब आराम से घर जाके मिलाइएगा। फर्दर कोई डाउट आता है तो हम लोग वेनेसडे के सेशन में कोशिश करेंगे कि इसको शुरुआत में जस्ट इन फर्स्ट हाफ ऑफ 15 मिनट्स, जो भी ब्रांच से रिलेटेड बातें, एक इस क्वेश्चन में अगर कोई डाउट आ रहा है, और एक जो मैंने दूसरा आपको भेजा है, इसको आपको खुद लगाने की कोशिश करनी है। हिंट मैं दिए दे रहा हूँ कैसे होगा थोड़ा सा, और उससे रिलेटेड जो डाउट हो उनको करके आप इस ब्रांच अकाउंट को हम लोग फर्स्ट हाफ ऑफ द वेनेसडे क्लास में ख़त्म कर लें, और वेनेसडे को कोई नया टॉपिक स्टार्ट कर लें। तो कौन सा टॉपिक स्टार्ट करें ये आपकी इच्छा पे, वरना तो हम अपनी मर्जी से बताते जा रहे हैं, भाई रॉयल्टी पढ़ लो, फिर डिपार्टमेंट पढ़ लो, फिर ब्रांच पढ़ लो, आज आपकी मर्जी पूछ लेते हैं। जल्दी से बताइए कौन सा टॉपिक ले लें फ्रॉम द वेनेसडे सेकेंड हाफ में, वरना आप कहोगे सर ये तो अपनी सुनाते रहते हो, मेरी सुनते ही नहीं हो। प्लीज यार टॉपिक तो बताओगे प्रभु कि किस टॉपिक से पढ़ना है, आपको अपना सिलेबस और टॉपिक्स तो पता ही होगा। जो इम्पोर्टेंट हो बेटा, बहुत गलत बोल दिया तुमने, मेरे लिए तो सब कुछ इम्पोर्टेंट होता है, आप सारे लोग मेरे लिए इम्पोर्टेंट हैं, पढ़ने वाले बच्चे, ना पढ़ने वाले बच्चे, शैतानी करने वाले बच्चे, सब इम्पोर्टेंट है, कोई मेरे लिए नॉन इम्पोर्टेंट है ही नहीं। जिसको मैंने नॉन इम्पोर्टेंट समझा उससे फोकस कम हो जाएगा, तो कोई भी, क्योंकि आप तो ग्रोइंग एज पे है बेटा, आपके लिए सब इम्पोर्टेंट है, बीबीए तक सीमा नहीं है आपकी, असीमित उड़ान है, सब इम्पोर्टेंट है। टॉपिक बताओ मुझे, इम्पोर्टेंट मत बताओ। यस ऋषभ, मैं कह रहा फंस गए यार, जब सभी कुछ पढ़ना है तो जो आप पीछे हो वही पढ़ा दो। चलो इस जवाब को बगैर बोले मैंने सुन लिया। ओके तो हम लोग ले लेंगे हायर परचेस, ये आपका पहले से भी थोड़ा सा पढ़ा हुआ होगा, तो इसमें थोड़ा इंटरेस्ट आएगा, तो इसको आप देख के आइएगा थोड़ा सा, और ये ब्रांच का जो रह गया है इसको कवर अप कर लेगा। अब इसका एक हिंट आपको हम दे दे रहे हैं कि इस क्वेश्चन में क्या हो रहा है, आप देख रहे हो अभी तक जितना भी ब्रांच ने या हेड ऑफिस ने सामान भेजा था वो एक ही रेट पे था, अब वो बोल रहा है इनवॉइस रेट, मतलब बिल कट रहा है कुछ ज्यादा का और कॉस्ट प्राइस है कुछ कम। क्लियर हो रही है बात? बिल कट रहा है कुछ ज्यादा का, कॉस्ट प्राइस है कुछ कम। तो ऐसे केस में क्या होगा कि जब आप डेटर्स की वैल्यूज को फाइंड करोगे तो आपको कॉस्ट प्राइस पे करना पड़ेगा, एक हल्का सा हिंट ये है, बाकी आप और कंसल्ट करिएगा, फिर हम लोग कल इस क्वेश्चन को आप थोड़ा देख के आएंगे तो बहुत अच्छा होगा, हम लोग इसको कल डिस्कस कर लेंगे। क्लियर?
सो एनी डाउट रिगार्डिंग द टुडे सेशन? कोई डाउट है बेटा आज के सेशन से रिलेटेड? नो? नो सर, ओके नो. चलो जी, मैं चाह रहा था कहीं कुछ आपके मन का हो जाए, आप टॉपिक ही नहीं बता रहे हो. चलो ठीक जी, हायर परचेज पढ़ो फिर, कोई दिक्कत नहीं है. ओके देन, वेरी नाइस मीटिंग विद यू, हैव अ नाइस डे. थैंक यू सर, थैंक यू थैंक यू आपको, सर, थैंक यू वेरी मच. थैंक सर यू बेटा.